हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत है भाई लोगों। और भाई कल आए थे अपन गाड़ी लोडिंग के लिए, कल कंफर्म हो गया था लोड। लेकिन यहाँ आने के बाद ना कुछ मतलब ऊपर नीचे हो गया। पार्टी वाला बोलता है कभी बॉम्बे जानी है गाड़ी, कभी बोलता है सतारा जानी है, तो इसकी वजह से कल तो गाड़ी लोड हुई नहीं। तो आज देखते हैं कहाँ की लोड होती है। अभी कल माल भी रेडी नहीं था, आज माल भी हो जाएगा रेडी, तो उसके बाद होगी लोड। तो जो भाई नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड तक पूरे ब्लॉग में बने रहना। तो भाई अभी यहाँ पे भाई गए हैं पीछे, तो देखते हैं कब तक क्या लोड होती है। अभी पिकअपों से आ रहा है माल, ये जो मेरे बाजू में लगी है एक पिकअप, ये लेके आई है माल। तो भाई कैसा क्या लग रहा है आपको व्लॉग, कमेंट करते रहो, बताते रहो। थोड़ा अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ी राय दिया करो यार, कि भाई इसको, इस चीज़ को और थोड़ा इस तरह से अच्छा कर सकते हो, है ना। तो अपना सजेशन दिया करो, तो बने रहना एंड तक। अभी मैं आपको थोड़ा यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। अभी तो कोहरा छाया हुआ है, थोड़ी देर पहले धूप निकली थी, अभी कोहरा छाया है। उधर देखो थोड़ा आगे तक ही दिखेगा, उसके बाद में बिल्कुल कोहरा है। और भाई साहब यहाँ पर रात में इतनी ठंडी थी ना, पूछो मत। मतलब बरसात भी नहीं है अभी दो दिन से यहाँ पे, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और नाइट परसों नाइट में हम आए थे उस टाइम पे भी नहीं थी, मतलब कहीं पे कुछ नहीं था। तो फिर भी सर्दी इतनी भयंकर है ना यहाँ पे, पूछो मत। और भाई ये लगाई थी अपन ने एक झालर। तो अभी गाड़ी में और भी सजावट करनी है भाई, व्हील कैप के लिए बोल रहे थे, व्हील कैप अभी बरसात है यार, इसकी वजह से नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा गर्मी का भी टाइम है, इसी साइड में ठंड है, वरना उस साइड में तो अभी भी थोड़ी गर्मी होती है। फिर एक्सप्रेस माल होता है ना, तो थोड़ा टायर गर्माता है। फिर क्या है ना, बरसात में गंदी हो जाती है अंदर से, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा नहीं लगा रहा हूँ मैं। रबड़ लगाने के लिए सोचा था, लेकिन मंडी में ना, दिल्ली मंडी में काट लेते हैं रबड़, एक गाड़ी के भी रबड़ नहीं छोड़ते वहाँ पे, तो मैं व्हील कैप ही डालूंगा आगे, रबड़ पीछे लगाऊंगा बाद में। लेकिन अभी बरसात इसी महीने तो मैं नहीं लगाऊंगा, अगले महीने फर्स्ट में ही लगा दूंगा मैं व्हील कैप, और मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना पूरी गाड़ी को सजा दूंगा, क्योंकि एक साथ नहीं लगा पा रहा हूँ, इतना टाइम भी नहीं है। वो सामान ला के रखा हुआ है, लेकिन लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल यहाँ लोड करने आ गए, उसके बाद में यहाँ पे पेटी वगैरह गिननी पड़ती है, पेटी काउंट करनी पड़ती है, एक पेटी पहले ही पिछले सूरत वाले चक्कर में कम हो गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है यार। कभी वो सामान लगाएंगे तो रास्ते में लगाएंगे, या फिर वहाँ पे खाली करने के वहाँ पे लगाएंगे। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर का व्यू। सो गाइस ये है पैकिंग एरिया, यहाँ पे कर रहे हैं भाई लोग पैकिंग। और इस तरह से करते हैं पैकिंग। ये सब लगाया, उधर मशीन लगी है साफ करने की। तो भाई जब ये मेरे पीछे का व्यू देखो, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, और भाई गाड़ी होने लगी लोड अपनी। पिछला भाई पिछला किसान ग्लोबल अपलोड
कंपनी इधर कोहरा ऐसे चल रहा है जैसे दो हवा की लहर के साथ में। ये देखो भाई कितना गर्म हो रहा है, छिहत्तर रुपया की है ना, छिहत्तर। और ये है भाई ट्रोट कंपनी, छासी बैठी यहाँ से, और ये गाड़ी अपनी लोड तो पाई छासी बैठी ने पहुंच गया उसे, या पिकअप से आ रहा है माल, डाल लाओ 600 रुपये नंबर एक लो भाई। इस साइड में भी खेती है पूरी, ये देखो ये सब सेव की खेती है ऊपर तक चारों तरफ। उधर जाने की है नहीं क्योंकि वो दूसरी पहाड़ी पे है इसके लिए, नहीं तो आपको पास से जा के दिखाता बाग। और भाई कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ, पल में धूप, पल में धूप आ रही है, पल में जा रही है। ये देखो भाई ये आए हम पिकअप से, उनकी लगी है अभी बोली पेटी, आपको पास से दिखता हूँ थोड़ा। कितने की पेटी? 1700 ये पेटियां है भाई 1700 रुपए की। अलग अलग साइज का अलग अलग रेट है, सब पेटी 1700। तो गाइस अभी भाई कर रहा है लोडिंग, पेटियों की सेटिंग कर रहा है। लेबर से सही सेटिंग नहीं हो पा रही थी तो खुद ही लगाए। ये भाई यहाँ पे बिक्री चालू है, मैं आपको थोड़ा नीचे का व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। भाई ऐसे मकान बनाते हैं यहाँ पे, मतलब ये सामने देखो आप, ओ भाई साहब ये जस्ट इसके नीचे मकान है यहाँ पे, ये मकान बने हैं। और व्यू देखोगे ना आप कितना प्यारा लग रहा है, शायद कैमरे में इतना आ नहीं रहा होगा। नया बंदा यूं उतर के जा भी नहीं सकता भाई इन रास्तों से, यहाँ के लोकल बंदों को पूरी हैबिट होती है। तो वो गई गाड़ी अपनी, थोड़ा माल बाकी है। तो भाई यहाँ पे हर घर पे सेब की खेती हो रही है, ये देखो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, एक साइड में बादल है एक साइड में खुला है। ये सब सेब की खेती है जो सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है टोटल। और भाई ठंडी इतनी है ना कि पूछो मत। सो भाई मैंने अभी पहन लिया जैकेट क्योंकि भाई ठंडी इतनी लग रही है बहुत ज़्यादा। और भाई ऐसा व्यू मिले ना यहाँ पे तो क्या मतलब तबीयत खुश हो जाती है भाई यहाँ पे आके, ना कोई टेंशन ना कुछ, और मतलब मस्त आदमी रहेगा यहाँ पे। ऐसा कुछ व्यू है अभी यहाँ का,
थोड़ी देर पहले यहाँ पे बरसात हुई है, पल में आती है पल में जाती है, बरसात का कोई पता नहीं होता है यहाँ पे। सो गाइज फाइनली अपनी गाड़ी हो गई लोड, और भाई छतारा की हुई है फाइनल लोड। तो भाई अपन ने ले ली एक पेटी घर के लिए, घर के लिए एक पेटी ली है। ये भाई 1700 रुपए की पेटी है। तो बच्चे लोग बोल रहे थे लेके आओ सेब लेके आओ, तो इस बार ले ली अपन ने एक पेटी। तो अभी तो स्टार्ट ही है, अब चलेंगे कम से कम भी 2 महीने, तो 2 महीने में ले जाते रहेंगे। अभी थोड़ा महंगा है, धीरे धीरे और भी सस्ता होगा। सो भाई अपनी गाड़ी है 1700 की लोड, 640 पेटी है गाड़ी में, और भाई 220 रुपए की रेट से भाड़ा लगा है। तो अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। सो भाई व्लॉग का यही करता हूँ मैं दी एंड, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता तो यार हिमाचल में अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं पे नेटवर्क वगैरह का इशू हो जाता है कई बार, जैसे शिमला बाईपास पे, अभी फिलहाल यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ पे जियो ही काम कर रहा है थोड़ा बहुत, बाकी एयरटेल वगैरह का इतना नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। और आपकी बार मैंने लोड की है ये क्या नाम है इस रोड का, यार अब नए नए जगह का नाम भी ध्यान में नहीं आता, ये थानेदार रोड है सही, मतलब नारखंडा से 8 किलोमीटर आगे थानेदार रोड पे यहीं से लोड हुई है। तो हम यहाँ से निकलेंगे, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगला व्लॉग भी मैं मतलब नाइट से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, दबा के करो यार, भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार तो दबा के सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।